सर, आप चुनाव आयोग पहुंचे, क्या मांग समाजवादी पार्टी की है? समाजवादी पार्टी की मांग नहीं है, ये आम पुलिस के लोग हैं, उनको अब की पोस्टल बैलेट उत्तर प्रदेश में नहीं भेजे गए। उनसे फॉर्म भरवा लिए गए थे, सारे डिटेल लिए गए थे और ये कहा गया था कि जो फॉर्म नहीं भरेगा उनकी तनख्वाह से 3,000 रुपये काटेगा। सब ने फॉर्म भरे, किसी के पास बैलेट पेपर पहुंचा नहीं। 7 तारीख तक अगर बैलेट पेपर नहीं पहुंचने के बाद आ नहीं पाएगा आरओ के पास, तो वो वोट ही नहीं डाल पाएंगे, या डालेंगे भी तो कोई मतलब नहीं उसका होगा। तो हमसे लगातार लोग कह रहे थे, पुलिस वालों के परिवार वाले भी कह रहे थे, पुलिस जन भी कह रहे थे कि हम लोगों को वोट ही डालने के नहीं मिल रहा। अब पुलिस में तो सारी पार्टियों के हमदर्द हो सकते हैं और हैं, तो एक उनका मौलिक अधिकार है वोट डालने का, उनको उससे वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैंने इलेक्शन कमीशन को इस बात से अवगत करा दिया। और कुछ बातें थी जिसकी चर्चा में यहाँ नहीं करता। क्या आश्वासन सर चुनाव आयोग ने दिया है? चुनाव आयोग बात ठीक ही करता है। सर, एक सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री आज उत्तर प्रदेश दौरे पर थे, पीएम ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है, कांग्रेस जीतती है, तो उत्तर प्रदेश में 20 तक लोगों के जो है वो घर से निकाल लिए जाएंगे। अब प्रधानमंत्री इस स्तर का भाषण देने लगे तो समझ लिए कि बीजेपी जाने वाली है।